Hello students, today we study how to estimate of the hemoglobin percentage from the our own blood group. इसके लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है और कुछ reagents की आवश्यकता होती है और chemicals की. इसके लिए सबसे पहले हम एक hemometer, N/10 HCl, H2O2, absolute alcohol, डिस्टिल वाटर और ब्लड की हमें आवश्यकता होती है. हम अब देखेंगे हीमोमीटर किस प्रकार का होता है. इसके अंदर ये देखिए आप, बीच में एक ट्यूब होती है, सैंपल ट्यूब, जिसके अंदर की हम अपना ब्लड डालते हैं. इसके दोनों तरफ, इधर और इधर, दोनों तरफ एक और ट्यूब होती हैं जिसको हम स्टैंडर्ड ट्यूब 1 और स्टैंडर्ड ट्यूब 2 कहा जाता है. अधिकतर प्रयोगशाला के अंदर साहिल्स का ही हीमोमीटर काम में लिया जाता है. ये एक इसके अंदर कांच की छड़ है जो कि इसमें जब हम रक्त डालते हैं पहले N/10 HCl इसमें डाला जाता है जो इसकी मार्क की स्थिति होती है वहाँ तक, और फिर ब्लड डालने के बाद और इसको हिलाने के काम में आता है. साथ में इसी हीमोमीटर के साथ हमको एक पिपेट मिलती है, हीमोग्लोबिन पिपेट मिलती है जिसके अंदर ये मार्क लगा हुआ रहता है, 20 cubic mm मार्क. यहाँ तक हमें इस पिपेट की सहायता से अपना ब्लड लेना होता है और उसको इसके अंदर सैंपल ट्यूब पे डालना होता है. अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे. जो ये स्टैंडर्ड ट्यूब्स हैं 1 और 2, इनका कलर लाइट ब्राउन कलर का होता है ना. और ये जो इसके ऊपर सैंपल ट्यूब पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं 4, 6, 8, 10, 12, ये इसकी प्रतिशतता या परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है. जब हम इसके अंदर ब्लड डाल लेते हैं, इससे लेके अपने पिपेट से लेके यहाँ तक जहाँ तक मार्क करा है, उसके बाद इसमें जब डालते हैं तो उसके इस रंग से हमको मिलाना होता है. जो ये दोनों हैं कलर, लाइट ब्राउन कलर का, इसके अंदर मिलाने के लिए इसमें हम डिस्टिल वाटर डालते रहते हैं धीरे धीरे और इसको इस छड़ी के सहायता से हिलाते रहते हैं. जहाँ भी इसका कलर इस ब्राउन कलर से मैच हो जाता है, सपोज़ ये 12 पे आके मैच हो जाता है, तो उसकी कितनी परसेंटेज रहेगी हीमोग्लोबिन की, 12. तो जितने पर आएगा उतने पर ही हम इसको रोक देते हैं. रक्त के हीमोलाइसिस के लिए N/10 HCl प्रयुक्त किया जाता है और HCl मिलाने से RBC और लाल रक्त कणिकाएं टूट जाती हैं तथा इसमें मुक्त हुआ हीमोग्लोबिन हीमेटिन अम्ल में परिवर्तित हो जाता है. सबसे पहले हम इसमें प्रोसीजर में क्या करेंगे, जो सैंपल ट्यूब है या जो मेजरिंग ट्यूब है उसके अंदर N/10 HCl जहाँ तक इसमें मार्क दिया हुआ होता है वहाँ तक इसको हम डाल देते हैं. अब अपनी फिंगर पे साफ करके एब्सोल्यूट अल्कोहल से उसमें एक प्रिक लगाते हैं और प्रिक लगाने के बाद जो मैंने आपको बताया पिपेट है, पिपेट से उसके जो मार्क दिया हुआ है 20 मार्क तक, जो mm तक जो मार्क है वहाँ तक अपन उसको ब्लड को सक कर लेते हैं. अब उस ब्लड को हम सैंपल इसके अंदर डाल देते हैं सैंपल ट्यूब में या मेजरिंग ट्यूब में और उसके अंदर उसको अच्छे से मिलाते हैं और उस कलर को जो इसकी स्टैंडर्ड ट्यूब 1 और 2 है जिसके अंदर की इसका भूरे रंग का दिखाई देता है उसमें एब्सोल्यूट वाटर हम इसके अंदर डालते रहते हैं, आंसू जल इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर डालते रहते हैं और उस कलर को हम मिलाते रहते हैं. जिस जगह इसका कलर मिल जाता है वही इसकी परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मानी जाती है. थैंक यू.